हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अयोध्या में प्रतिष्ठित रामलला का एक छोटा सा प्रतिमा बना के दिखाऊंगा। ये वाला प्रतिमा का चूड़ा का हाइट लेके अप्रोक्स 1.5 फुट का है और सिर्फ रामलला का 10 इंच का है। चलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मिट्टी से ही एक बेस बनाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा मिट्टी दे रहा हूँ, देखिए ये चारों साइड अच्छे से मिट्टी दे रहा हूँ। पानी से स्मूथ कर रहा हूँ। आप ये सेम तरह ही एक बना के ऊपर में लगा दिया। इस तरह से एक लोहे का वायर घुसा रहा हूँ। वायर को इस तरह से मोड़ लेना पड़ेगा। ये दोनों साइड दे रहा हूँ, देखिए। अब लोटस बनाऊंगा। थोड़ा मिट्टी दिया पहले, थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर रहा हूँ। मेन प्रतिमा जैसा है, मैं उस तरह ही बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। डीटो तो नहीं हो सकता, जस्ट कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कुछ डिज़ाइन मैं खुद के हिसाब से कर लिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है, मैं उस तरह से नहीं बना सकता। ये पानी से स्मूथ कर रहा हूँ, देखिए आप। उस तरह से बनाने जाऊँगा तो मुझे 2-3 महीना लग जाएगा, फिर भी नहीं हो पाएगा। ये लोटस का पंखुड़िया लग रहा हूँ, आप देखिए इस तरह से लग रहा हो। पंखुड़िया को मैं इस तरह से बनाया, ये लग रहा हूँ आप। नीचे भी एक डिजाइन है, उसको बना रहा हूँ। ये छोटा सा कॉयल दिया पहले, उसके ऊपर इस तरह से एक मिट्टी दिया। ये हो गया, अब पानी से स्मूथ कर रहा हूँ। मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं दिखा पाया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। ये बीच में एक स्टिक भी घुसा दिया, अब पैर को बना रहा हूँ। ये थोड़ा लंबा कॉयल दिया पहले, पैर का शेप मैं बाद में दूंगा। ये दूसरे पैर को लगा रहा हूँ, आप पैर का शेप दे रहा हूँ, देखिए। थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर रहा हूँ नीचे, कमर पे भी थोड़ा मिट्टी दे रहा हूँ। ये बॉडी के लिए थोड़ा मिट्टी दे रहा हूँ, आप पेट में थोड़ा मिट्टी ऐड कर रहा हूँ। ये चेस्ट को बना रहा हूँ, आप देखिए मैं कैसे कैसे मिट्टी दे रहा हूँ। कुछ कुछ जगह पे और भी मिट्टी लगेगा, उसको दे रहा हूँ, देखिए। कमर पे और भी थोड़ा सा मिट्टी दे रहा हूँ। ये टूल्स के हेल्प से अब शेप दे रहा हूँ। धोती को मैं इस तरह से बनाऊंगा। पहले इस तरह से कुछ कुछ दाग दे रहा हूँ। ये बीच में थोड़ा मिट्टी दिया, अब ये छोटा छोटा कॉयल दे रहा हूँ इस तरह से। ये धोती हल्का सा हो गया, पानी से स्मूथ कर रहा हूँ आप। इनका कलरिंग का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बोलना, नहीं तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, कलर नहीं करूँगा इसको। अगर कलरिंग के लिए बहुत सारा कमेंट आया तो फिर मैं कलर करूँगा इसको। ये कमर पे अब ज्वेलरी बना रहा हूँ, देखिए आप। पहले ये दोनों कॉयल दे रहा हूँ, देखिए। नीचे एक डिज़ाइन बनाया, ये अब दूसरे एक कॉयल दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं दिखा पाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। पैर को बना रहा हूँ आप, देखिए। ये थोड़ा सा मिट्टी दे रहा हूँ पहले, ये टूल्स के हेल्प से उसको सेट कर रहा हूँ आप। अब उंगली को बना रहा हूँ, देखिए। एक एक करके लगा रहा हूँ सब उंगली को। उंगली बनाना हो गया, पानी से स्मूथ कर रहा हूँ। दोनों हाथ को लगा रहा हूँ, हाथ का उंगली मैं हमेशा बाद में लगाता हूँ।
ये गर्दन पे थोड़ा मिट्टी दे रहा हूँ, देखिए फेस को बनाऊंगा। अब फेस को बनाने के लिए पहले एक बॉल दिया मैं, ये उसको अच्छे से चिपका रहा हूँ पीछे से। सपोर्ट के लिए थोड़ा बाल बना रहा हूँ, ये ऊपर में भी थोड़ा मिट्टी दे रहा हूँ। फेस को बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा करना, क्योंकि बच्चे का फेस है ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है। आँख के जगह से थोड़ा मिट्टी हटा लिया, ये गाल पे थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर रहा हूँ, देखिए। आँख को बना रहा हूँ, पहले ये थोड़ा सा मिट्टी दिया, अब टूल्स के मदद से आँख बना रहा हूँ, देखिए आप। मैं मेरे हिसाब से फेस को जितना हो सके रियलिस्टिक करने का कोशिश किया है, आप लोग ही अब बता सकते हो कितना अच्छा हुआ है। ये माथे पे एक तिलक भी दे रहा हूँ, आप पानी से अच्छे से स्मूथ कर रहा हूँ, देखिए। पानी देने के पहले हाथ से थोड़ा सा स्मूथ कर लेना, तो फिर फेस में एक अच्छा सा भाव आता है। बाल को बना रहा हूँ, आप छोटा छोटा कॉयल देके बाल को बना रहा हूँ। ज्यादा कुछ नहीं किया, जस्ट छोटा छोटा कॉयल देके इस तरह से चिपका रहा हूँ, देखिए आप। पहले जो पिक्चर आया था वो ज़्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए मैं सोचा माथे पे ही एक मुकुट है, लेकिन बाद में देखा माथे पे कोई मुकुट नहीं था, और उस टाइम बनाना भी हो गया इसलिए तोड़ा भी नहीं, मैं इस तरह से ही छोड़ दिया। गर्दन पे थोड़ा ज्वेलरी बना रहा हूँ, देखिए आप। मैं ज्वेलरी को भी डीटो नहीं बनाया, मैं जैसे कर सकता हूँ उस तरह से किया जस्ट। ये उंगली को बना रहा हूँ, पहले छोटा सा कॉयल लेके इस तरह से मोड़ लिया, हल्का सा नाखून बना रहा हूँ। अब ये उंगली को लगा रहा हूँ एक एक करके, ये दूसरे हाथ को बना रहा हूँ, देखिए। पीछे का जो डिजाइन है उसको बना रहा हूँ, पहले जो लोहे का वायर घुसा के रखा था उसमें ही थोड़ा मिट्टी दे रहा हूँ। ये दोनों साइड हनुमान और गरुड़ को बनाऊंगा, ये वाला लोटस भी सेम तरह ही बना रहा हूँ, जैसे रामलला का बनाया था उस तरह से ही बना रहा हूँ। ये पहले एक हल्का सा ड्रॉ कर रहा हूँ हनुमान को बनाने के लिए, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाता। ये अब मिट्टी दे रहा हूँ उसमें, ये बहुत ही छोटा है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बना पाया, बहुत मतलब बहुत ही छोटा, और जो 10 अवतार होगा वो तो और भी छोटा, उसको मैं जैसे तैसे बना दिया था। ये पानी से अब स्मूथ कर रहा हूँ, ये गरुड़ को भी बना लिया, इसको भी स्मूथ कर रहा हूँ पानी से। पीछे जो डिजाइन है उसको बना रहा हूँ, ये इस साइड 5 भाग कर लिया, उस साइड भी 5 भाग कर लूंगा। ऊपर में जो डिजाइन है उसको बना रहा हूँ, ये 3-3 गोल है,
दोनों साइड, ये ऊपर में थोड़ा डिजाइन कर रहा हूँ। इधर में शायद सूर्य देव बैठेगा, एक प्रतिमा था, मैं समझ नहीं पाया वो कौन है, इसलिए एक मूर्ति बना लिया जैसे तैसे। पानी से स्मूथ कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। इधर में एक ओम चिन्ह है और दूसरे साइड सस्तिक चिन्ह, और वो चारों में शंख चक्र गदा एंड पद्म है। जैसे है मैं उस तरह से ही फील कर रहा हूँ, सबको कोशिश कर रहा हूँ। और ये 10 साइड मैं 10 अवतार को बना लिया, एकदम अच्छा नहीं हुआ 10 अवतार। यह हाथ में धनुष को दे रहा हूँ। ये रहा मूर्ति का फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलना। मुझे इसको बनाने में बहुत दिन टाइम लगा, अप्रोक्स 2 वीक। इसलिए आपको अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। आप अगर चाहते हो कि मैं इसको कलर करके दिखाऊं तो फिर आप कमेंट करके बोलना, मैं उसको कलर भी करूँगा। आपको अगर इंटरेस्ट है ये मूर्ति बनाने में, आप घर में बना सकते हो, और बनाना हो गया तो मुझे इंस्टाग्राम में फोटो भेजना। मैं इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर पे जाके फॉलो कर लेना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बोलना, अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।